एवरीवन वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक ऑनगोइंग के ड्रामा लिंक ईट लव एंड किल एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है बहुत सारे फ्रिज को फेंका जा रहा था। हमारा मेन लीड बोलता है फ्रिज बहुत कुछ बोलता है हमारे बारे में कि हमारा डाइट कैसा है, अच्छा या बुरा, हम किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अल्कोहल, ब्यूटी, मेडिसिन किस पे, और हमारा बजट कितना है, हम ब्रोक है या फिर रिच है, या फिर हम अपने फैमिली को वैल्यू देते हैं या फिर खुद को, हम कहाँ कहाँ घूमे हैं एसेट्रा। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है, इसका नाम है जेहुन और ये एक सेलिब्रिटी शेफ होता है। अपना काम ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करता है और सबको करने के लिए भी बोलता है। टीम का एक शेफ बहुत ही ज्यादा उदास था और वो उल्टे सीधे काम कर रहा था। वो उसे डांटता है, बोलता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ, तुम आज की छुट्टी ले लो, ऐसा खाना बनाओगे तो नहीं चलेगा। वो बोलता है ठीक है। खाना बनाते बनाते जेहुन को एक विजन आता है बहुत ही अनक्लियर किसी लड़की का और वो रोने लगता है और फिर उसका हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों बाद मैनेजर उससे पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है आप हमेशा मुझसे ये क्यों पूछते हैं। वो बोलता है क्योंकि उस दिन तुम जब बेहोश हुए थे ना, उसके बाद से तुम्हारी हरकतें ना बहुत ही अजीब हो गए हैं। क्योंकि जेहुन अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो कभी हंस देता था तो कभी रो पड़ता था। एक मीट ऐड पे वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रो रहा था, फिर कस्टमर से बात करते हुए भी वो रो पड़ता है। इधर एक शेफ की ब्रेकअप की कहानी सुनाई जा रही थी, वो सैड था और वहाँ पे वो बहुत ही जोर से हंस रहा था। जेहुन मैनेजर को बोलता है आप लोग मेरे बात का विश्वास नहीं करोगे लेकिन मेरे साथ कुछ हो रहा है, ऐसा कि ये सब इमोशंस मेरे हैं ही नहीं, किसी और के हैं, मैं किसी से लिंक हो गया हूँ। वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखते हैं। वो बोलता है मुझे पता था आप लोग विश्वास नहीं करोगे। फिर वो जाने लगता है। फिर मैनेजर पूछता है क्या तुम्हारा कोई ट्विन है। वो वहां से चला जाता है। रास्ते से जाते हुए जेहुन बोलता है हाँ हम ट्विन थे, मेरी एक ट्विन सिस्टर थी। जेयंग जब भी रोती थी मैं भी रो पड़ता था, जब भी वो हंसती थी मैं भी हंसता था, जब भी वो परेशानी में होती थी मैं समझ जाता था और मैं हमेशा उसके साथ रहता था। 18 साल हो गए हैं, शायद वो मर गई या फिर कहीं चली गई, क्या हुआ मुझे पता नहीं, शायद वो मर ही गई। लेकिन 18 साल बाद फिर से मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या वो वापस आ गई है। तभी उसके हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है, वो बोलता है वो यही कही है। तभी हमारी फीमेल लीड आती है बहुत ही जोर से दौड़ते हुए, इसका नाम होता है दाहियोन, और वो थोड़ा सा उसे देखती है फिर वो बाहर से चली जाती है। जेहुन उसे देख रहा था। दाहियोन भाग के अपने अपार्टमेंट जाती है, उसने बहुत सारे बिल्स पे नहीं किए थे। फिर वो अपने रूम को बहुत ज्यादा साफ करने लगती है, असल में उसकी मॉम आने वाली थी। फिर दिखाया जाता है उसकी मॉम आई है, उसकी मॉम बोलती है लेकिन तुम तो काम कर रही थी ना। वो झूठ बोलती है मैं तो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। वो खुश होती है, फिर वो बहुत बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करने लगती है और वो झूठ बोलती है बार बार और हमेशा बोलती रहती है नहीं मैं ऐसी नहीं उल्टी हूँ, आप जैसा मुझे सोचते हो। वो और उसकी मॉम बस स्टैंड पे खड़ी हुई थी, वो ऑलमोस्ट सारा पैसा ही उन्हें देने लगती है। वो बोलती है नहीं इतना सारा पैसा लेके मैं क्या करूँगी। वो बोलती है आप टैक्सी में चले जाइए। वो पहले बहुत ज़्यादा मना करती है, फिर टैक्सी में चढ़ के खुशी खुशी पैसे लेके चली जाती है। एक मेला टाइप का हो रहा था जहाँ पे ढेर सारे शेफ्स थे और लाइव खाना बना के लोगों को खिला रहे थे और लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, शूटिंग वगैरह हो रही थी। लोग स्पेशली जेहुन को देखने आए थे और सब लोग उसके वीडियो वगैरह भी ले रहे थे। और साइड में ही रेस्टोरेंट में काम करती थी दाहियोन, वो काम करते करते उससे ना एक प्लेट गिर जाता है। फिर उसके चीफ उसे बहुत ज्यादा डांटती है, बोलती है तुम्हारा एज ज्यादा है और तुम बहुत ज्यादा एडुकेटेड भी हो,
और तुम्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैंने तो तुम्हें दया करके यहाँ पे रखा है। फिर वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है, फिर चीफ मान जाती है, बोलती है ठीक है तुम्हें लास्ट चांस मैं दे रही हूँ, ठीक से रहना। जई हुन का लाइव शो चल रहा था, वो खाना बना रहा था, तभी उसे अजीब सा फील होता है। उसका फ्रेंड पूछता है क्या हुआ, वो बोलता है मुझे ना बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है और इरिटेशन भी। फिर वो सब कुछ फेंक के बाहर से चला जाता है। फिर वो खाना खाने के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते वो टेरिस पे पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके देखता है दाह्युन बैठी हुई है, वो बोलता है सॉरी मुझे लगा यहाँ पे कोई नहीं है। दाह्युन बोलती है ये मेरा अपना जगह नहीं है, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, वो बोलता है ठीक है। दोनों एक चीज़ नोटिस करते हैं, दोनों एक साथ ही सांस ले रहे थे बार बार। दाह्युन को तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगता है, लेकिन जेहुन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो सोचता है कहीं यही वो लड़की तो नहीं है। दाह्युन बोलती है पता है आज मुझे ना ऐसा लग रहा है अगर मैं फेमस होती एक दिन के लिए तो अच्छा होता, मुझे और नहीं लगता है कि मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। वो अपने बारे में कुछ बातें बोलती है, फिर बोलती है सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम तो एक स्ट्रेंजर हो। फिर जेहुन बोलता है हाँ तभी तो तुम इतना कंफर्टेबल हो के सब कुछ बोल रही हो क्योंकि मैं स्ट्रेंजर हूँ। फिर वो खाना खाने जाता है, लेकिन दाह्युन उसे अजीब तरीके से देख रही थी। जेहुन बोलता है क्या तुम खाना चाहोगी, वो बोलती है ठीक है मैं एक लूंगी। वो एक खा के बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। जेहुन बहुत ही फैंसी सा नाम बोलता है, वो बोलती है क्या तुम एक शेफ हो, तुम्हारा ड्रेस देख के मुझे लग रहा है, वो बोलता है हाँ। वो बोलती है क्या तुम फेमस हो, वो बोलता है शायद हाँ लोग बोलते हैं। फिर वो खाने जाता है, फिर से वो देख रही थी, वो बोलता है क्या तुम्हें और खाना है, वो बोलती है तुम इतना जब बोल रहे हो तो एक खा ही लेती हूँ। फिर जेहुन बोलता है मैंने उतना भी नहीं बोला है, तुम ऐसे ही खा रही हो। फिर वो उसका ड्रिंक भी पी लेती है। फिर वो बोलती है मैं ना ऐसी नहीं हूँ, आज बस मैंने तुम्हारा खाना खा लिया, मैं हमेशा इतना फैंसी फैंसी खाना ना सर्व भी करती थी, पहली बार मैंने ऐसा खाना खाया, थैंक यू। फिर वो बाहर से जाने लगती है, फिर वो उसे रोकता है। फिर जेहुन बोलता है मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। दाह्युन बोलती है मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, मैंने कभी किसी को नहीं दिया है, लाओ मैं तुम्हें अपना नंबर दे ही देती हूँ। वो बोलता है नहीं नहीं नंबर नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ पूछना है, तुम बचपन में कहाँ रहा करती थी और तुम्हारी एज कितनी है और क्या तुम मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलोगी। वो सोचती है शायद ये पागल है, वो वहाँ से भाग जाती है। एक जिन नाम का एम्प्लॉय आता है और वो दाह्युन को पूछता है क्या तुम उस शेफ़ को जानती हो पर्सनली, वो बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं जानती हूँ, वो बोलता है तब तो अच्छा है। फिर वो अंदर जाके देखती है उसके लिए किसी ने गिफ्ट छोड़ा है, वो देखती है कुछ खाने का सामान है और एक स्कार्फ है। वहाँ पे चीफ आके बोलती है ये तुम्हें शेफ़ जेहुन ने दिया है, क्या तुम उसके साथ डेट करना चाहोगी, वो बोलती है नहीं नहीं मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो बोलती है शायद वो तुम्हें पसंद करता है, वो बोलती है नहीं एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जाने लगती है, सामने जेहुन था, वो जाके बोलती है ये सब क्या है, वो बोलता है कुछ भी नहीं छोटा सा गिफ्ट है, लौटाने की ज़रूरत नहीं है, वो बोलती है नहीं मैं लौटा रही हूँ। वो बोलता है लौटा क्यों रही हो, देखो इसमें क्या है, आज तुमने जो खाना खाया वही है और उसके साथ एक छोटा सा केक है और इसके अंदर क्या है, ये स्कार्फ तो मैंने नहीं दिया, ये तो एक ओल्ड स्कार्फ है। वो बोलती है तुम बहुत ही पागल हो स्टॉकर कही के, वहाँ से वो चली जाती है। डस्टबिन से कोई उस स्कार्फ को उठा लेता है। फिर दाह्युन के पीछे पीछे कोई जा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर वो देखती है ये जिन है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा डांटती है, बोलती है तुम हमेशा मुझे डराते क्यों हो, वो बोलता है मैं तो तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ, वो बोलती है ओ अच्छा। फिर जिन बोलता है तुमने कभी नोटिस क्यों नहीं किया मुझे, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था, क्रीपी सी स्माइल भी दे रहा था, वो वहाँ से चली जाती है। फिर दाह्युन के लिए कोई हर रोज गिफ्ट छोड़ के जाता था उसके अपार्टमेंट में, ऑफिस में या फिर मेल बॉक्स में, और गिफ्ट्स बहुत ही अजीबोगरीब थे और उसे कोई स्टॉक भी कर रहा था, उसका फेस नहीं दिखाया जाता है, उसे लगता है ये जेहुन है। वो जेहुन के बारे में सर्च करती है, लोग बहुत ही अजीबोगरीब कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे ये पागल हो गया है, ये कभी हंसता है तो कभी रोता है, और लड़कियां कमेंट कर रही थी उनसे उसने पूछा है कि बचपन में वो कहाँ रहा करती थी, उनकी एज कितनी है,
क्या वो उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलेगी? और ये सब सुन के वो तो कंफर्म हो जाती है यही वो स्टॉकर है जो अजीबोगरीब गिफ्ट भेजता है। गिफ्ट को वो फेंक देती है। शेफ जिनहो जेहुन का बेस्ट फ्रेंड था, वो बोलता है तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, बहुत जल्द तुम्हें ना जॉब से निकाला जाएगा, उससे पहले तुम ही रिजाइन कर दो और चलो हम दोनों मिलके एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। वो बोलता है ठीक है चलो खोलते हैं। फिर वो पूछता है किस जगह में खोलना है, जेहुन बोलता है जिहोबा। वो बोलता है ये कौन सी जगह है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। वो बोलता है चलो ना बहुत अच्छी जगह है। जिहोबा पुलिस स्टेशन में एक न्यू पुलिसमैन आया था, इसका नाम होता है बोनताक और ये हमारा सेकेंड मेन लीड है। फिर हमारे सेकेंड फीमेल लीड को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है मिंजो और ये बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ ऑफिसर होती है। इसके अंडर में ही बोनताक को रहना होगा 3 महीने के लिए। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। दूसरे ऑफिसर्स बोलते हैं क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो, वो दोनों ही बोलते हैं नहीं। फिर वो लोग बोलते हैं क्या आप लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, वो दोनों बोलते हैं नहीं। फिर दोनों कार में जाने लगते हैं। बोनताक बोलता है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, वो भी ऐसे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। फिर वो बोलती है हमारा ब्रेकअप 3 साल पहले हो गया है, तुम ये सब उल्टी सीधी बातें ना बोलना बंद करो, प्रोफेशनल रहो। वो बोलता है नहीं नहीं हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं कार में। वो उसे डांटती है, बोलती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, मुंह अपना बंद रखो। जेहुन अपने सिस्टर की एक पिक्चर निकलवाता है कंप्यूटर से। उसके सिस्टर अगर बड़ी हुई होगी तो 70-80% ऐसी ही दिखती होगी। वो बोलता है तब तो वो लड़की नहीं है मेरी सिस्टर। दाहियुन बहुत जोर से भागते हुए आती है और अपार्टमेंट में आके देखती है उसकी मॉम आई है और उनके पास सारे बिल्स थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है उस पे, तुमने आज तक मुझसे सब कुछ झूठ बोला है। जेहुन अपने फ्रेंड के साथ जिहोबा में आया था और सब कुछ एकदम खाली था। वो बोलता है वाह तुमने तो बहुत अच्छी जगह चुनी है, एकदम खाली, यहाँ पे कोई भी कस्टमर आने नहीं वाला है। वो बोलता है नहीं नहीं यहाँ पे ही हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। और फिर वहाँ पे देखता है किसी लड़की को उसकी मॉम पीट रही थी घर के अंदर और बाहर से सभी औरतें मजे ले रहे थे। बोनताक और मिंजो आते हैं, सब लोग शिकायत करना स्टार्ट करते हैं, सीसी कैमरा ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। वो लोग बोलते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी हम देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए। जेहुन बोलता है कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ सेम ही है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होती है, दिखाया जाता है छोटा जेहुन खेलने जा रहा था, उसके सिस्टर उसे बार बार रोक रही थी। वो उसे डांटता है, बोलता है तुम हमेशा परेशान करती रहती हो। वो बोलती है लेकिन मॉम डैड ने बोला है आपको मेरा ख्याल रखने के लिए। वो बोलता है मुझसे नहीं होगा बार बार, मुझे प्लीज खेलने दो। फिर वो रोने लगती है, वो उसे डांटता है, बोलता है रोना मत, तुम्हें पता है ना तुम रोती हो तो मुझे भी रोना पड़ता है, तुम हंसती हो तो मुझे भी हंसना पड़ता है। फिर वो उसे खाने के लिए टॉफी देता है, बोलता है ये लो ये खाओ और वहां पे चुपचाप बैठो, मुझे खेलना है। फिर वो खेलना स्टार्ट करता है और उसके सिस्टर बहुत सैड थी। अचानक जेहुन को लगता है कुछ बुरा हो रहा है जेयंग के साथ, वो उसे ढूंढने लगता है, वो कहीं भी नहीं मिलती है, वो बहुत जोर से रोने लगता है। जेयंग को सब लोग ढूंढ रहे थे, उसकी मॉम डैड फिर नेवर्स पुलिस, किसी को भी वो नहीं मिलती है। कुछ नेवर्स बहुत ही क्रीपी सा बिहेव कर रहे थे। उसके डैड आके जेहुन को बोलते हैं तुम्हें मुझे बोलना होगा कि जेयंग अभी क्या फील कर रही है। वो बोलता है वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। फिर वो पूछते हैं अब क्या हुआ, फिर वो समझ जाता है कि जेयंग की डेथ हो गई है। फिर वो बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। उसके डैड को भी समझ आ जाता है क्या हुआ था और ये सब मानो उसके आंखों के सामने ही हो रहा था। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिस लड़की को उसकी मॉम मार रही थी वो और कोई नहीं दाहियुन है और वो आके गिरती है जेहुन के गोद में। फिर वो बोलती है अरे तुम तो वही स्टॉकर हो ना, तुमने मुझे स्टॉक किया, ये सब भेजा, तुम बहुत ही बुरे हो। सब नेवर्स भी बोलते हैं हाँ ये लड़का कितना बुरा है। वो बार बार बोलता है मैंने ये सब नहीं किया है। फिर वो बोलती है नहीं किया है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने भी यहाँ पे शिफ्ट किया है और तुम भी आ गए मेरे पीछे पीछे। वो बोलता है नहीं नहीं ये देखो ये मेरा घर है। फिर वो वहां से चली जाती है। सब लोग अजीब तरीके से उसे देख रहे थे। फिर वो अपने फ्रेंड को दिखाता है ये हमारा घर है, यहाँ पर ही हम
हमारा रेस्टोरेंट खोलेंगे। वो बहुत मना करता है, बोलता है तुम यहाँ पे अकेले ही रह लो। वो बोलता है नहीं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के अलावा यहाँ पे नहीं रह सकता, चलो काम शुरू करते हैं। ताही उनको सबसे पता चलता है जिनने बोला है वो दोनों रिलेशन में है। फिर वो देखती है जिनके इंस्टा पोस्ट में बस वो ही है, पीछे से उसने हर बार उसकी फोटोज खींची है। सब लोग बोलते हैं क्या तुम झूठ बोल रही हो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। वो बार बार बोलती है नहीं मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो वस्त के लिए वेट कर रही थी। वहाँ पे जिन आता है और वो उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें पता नहीं हम दोनों डेट कर रहे हैं। जिन बोलता है अगर हम लोग डेट नहीं कर रहे हैं तो हर बार तुम मेरी तरफ देख के स्माइल क्यों करती थी। वो बोलती है मैं तो सबकी तरफ देख के ही स्माइल करती हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, मैं सबको सर्व करती हूँ। फिर वो बोलता है हम दोनों ने साथ में बैठ के खाना भी खाया है। वो बोलती है नहीं सिर्फ हम दोनों नहीं थे, सब लोग थे वहाँ पे। फिर वो बोलता है हम दोनों तो रात में हंसते हुए घर जाते थे। वो बोलती है नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बस तुम रास्ते में दो तीन बार मिल गए थे। जिन बोलता है तुम्हें मेरे गिफ्ट्स पसंद नहीं आए हैं ना, इसीलिए तुमने फेंक दिया। वो बोलती है वो सब तुमने भेजा था। वो बोलता है हाँ। फिर वो सोचती है मैंने ऐसे ही जे ही उनको उल्टा सीधा बोल दिया है। फिर जिन उससे जबरदस्ती करने लगता है, वो जैसे तैसे उसे छुड़ाती है। फिर अगले मॉर्निंग दिखाया जाता है वो अपने रूम को अरेंज कर रही थी और बोल रही थी फिर से मुझे मॉम के साथ रहना पड़ेगा, हाय मेरी फूटी किस्मत मैं कैसे रहूंगी। वो खिड़की से देखती है वहाँ पे जेहून काम कर रहा था। वो बोलती है ये तो स्टॉकर नहीं है, स्टॉकर तो वो था जो मेरे लिए ये सब करा करता था। सब लोग जेहून को स्टॉकर बोल बोल के चिढ़ा रहे थे। वो बार बार बोलता है मैं वैसा नहीं हूँ, उसने झूठ बोला है। दाही उनको उसकी मॉम बोलती है अब से तुम घर पे ही रहोगी और लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करोगी अपने जॉब के लिए। फिर दिखाया जाता है दाहियुन मार्केट से आ रही थी और उसकी मुलाकात होती है जेहून से। दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। फिर दाहियुन आके उसे सॉरी बोलती है। वो बोलता है तुम यहाँ से हटो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। बात करते करते वो गिर जाती है। जेहून बोलता है तुम्हें अपने घुटनों पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। वो बोलती है अरे मैं गिर गई हूँ। फिर वो उसे उठाता है और सहारा देता है। पीछे से ये सब देख रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दाहियुन हर रोज लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करती थी और उसे कोई फॉलो कर रहा था। और इधर जेहून का काम चल रहा था रेस्टोरेंट में। दोनों एक दूसरे को देख के इग्नोर करने की कोशिश करते थे, फिर बात भी करते थे। एक दिन बहुत ज्यादा रात हो गई थी और वहां से दाहियुन आ रही थी और उसे कोई फॉलो कर रहा था, वो था जिन। वो जिन को देख के भागने लगती है और भाग के वो अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जा पाती। और वो अपने मॉम को और ग्रैंड मदर को बुलाती है बार बार, लेकिन वो दोनों तो टीवी देख रहे थे। दाहियुन बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। इधर जेहून अपने एयरपॉड्स में गाना सुन रहा था, उसे भी कोई आवाज नहीं आती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और बहुत डर गई थी। तभी जेहून को भी बहुत ही अजीब सा फील होता है। जिन दाहियुन को बहुत जोर जोर से मारने लगता है, उसे उठा के फेंक देता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी जेहून को भी बहुत अजीब सा फील होता है। दाहियुन को होश आने के बाद देखती है जिन मर चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं था क्या हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, वो भाग के पुलिस स्टेशन जाती है। आज पुलिस स्टेशन में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। मिंजो आके बोलती है क्या हुआ। वो बोलने जाती है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। फिर वो बाहर से चली आती है। घर आके देखती है उसकी मॉम और ग्रैंड मदर बाहर बैठे हुए थे जिनके सामने। फिर वो बोलती है पता नहीं ये कैसे हो गया, वो मुझे मारने वाला था, शायद मैंने ये सेल्फ डिफेंस में कर दिया। फिर दोनों ही उसे संभालते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ गई थी। वो बोलती है पुलिस स्टेशन। वो बोलती है तुम ऐसा मत करना, तुम बस यहाँ पे बैठो, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। वो दोनों डेड बॉडी को ठिकाने लगाना स्टार्ट करते हैं। बाहर एक फ्रिज था और ये फ्रिज था जेहून का। उस फ्रिज में वो उस डेड बॉडी को डाल देते हैं। फिर ब्लड भी पोंछना स्टार्ट करते हैं और ये सब बैठ के देख रही थी दाहियुन। वो बोलती है मुझे लग रहा है कि पहली बार ये नहीं हुआ है, ये लोग पहले भी ऐसा ही काम कर चुके हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। जेहून और जिन्हो बाहर आते हैं, वो दोनों घर जा रहे थे।
जेहून बोलता है, अरे वर्कर्स ने तो हमारा फ्रिज ही बाहर रख दिया। फिर दोनों धकेलते हुए फ्रिज को अंदर ले जाते हैं और ये सब खिड़की से देख रही थी दाहियुन, और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और शायद उसे जेहून देख लेता है, वो छुप जाती है। एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होती है, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।